फोरलेन के किनारे की कॉलोनियों में बारिश से हुआ बुरा हाल। बारिश का पानी रिहायशी घरों के अंदर तक घुसा। यह गोरखनाथ स्थित सिंधी कॉलोनी का हाल है और यह जो घर दिख रहा है यह घनश्याम आहूजा जी का है। देखिए पूरे घर में बारिश का पानी कैसे घुस रहा है। यह दूसरा घर गौरव कारवानी का है जिनके बच्चे पानी से बचने के लिए बेड के ऊपर बैठे हैं। यही हाल फोरलेन के किनारे बसे कॉलोनियों के सभी घरों का है। गोरखपुर का विकास पिछले दो वर्षों में बहुत तेजी के साथ हुआ है। शहर के बीचों बीच दो फोरलेन का निर्माण हुआ। फोरलेन के किनारे अंडरग्राउंड केबल के लिए चैम्बर और सीवर और बारिश के पानी के लिए ड्रेनेज बनाया गया। इस ड्रेनेज से कॉलोनियों के नालियों को जोड़ा भी गया, किंतु इस खराब इंजीनियरिंग का भेद तब खुला जब बारिश हुई। बारिश का पानी ड्रेनेज में जाने की जगह लोगों के घरों में घुसने लगा। दरअसल गड़बड़ी यहां जल निकासी के लिए बने ड्रेनेज के डिजाइन में है। जल निकासी का पाइप कॉलोनियों के सतह से ऊंचा लगाया गया और बारिश के पानी का आंकलन किए बिना ड्रेनेज कम चौड़ाई का लगाया गया, जिससे यह परेशानी शुरू हुई। ऐसा भी नहीं है कि स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने पहले आवाज नहीं उठाई थी। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया लेकिन प्रोजेक्ट इंजीनियरों के आगे सब फेल रहा। फिलहाल NH और PWD दोनों विभागों को स्थानीय नागरिकों द्वारा सूचित कर दिया गया है। हालांकि जनप्रतिनिधि कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस बीच फोरलेन के किनारे की कॉलोनियों का जीवन नारकीय बना हुआ है।